सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण 5 टॉपिक बताइए तो आप नाम लोगे रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, है ना। ये 5 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज उनमें से हम एक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको अलंकार के बारे में बेसिक बताना चाहूंगा। बेसिक में ये है कि जो जिस प्रकार आभूषण के प्रयोग से किसी स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए जो अलंकार होते हैं, अलंकार को काव्य का आभूषण कहा जाता है। यदि मैं आपसे बोलूं कि काव्य का आभूषण किसे कहा जाता है तो आप बोलोगे अलंकार को, ठीक है ना, ठीक है। और इसके अलावा अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण और गहने। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहने। आचार्य बामन के अनुसार कोई भी ऐसी चीज जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वो अलंकार है, है ना। अलंकार का काम होता है काव्य में सुंदरता उत्पन्न करना, है ना। काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है अलंकार का, ठीक है। इसलिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहने, ठीक है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभयालंकार। उभयालंकार है ना। तो शब्द अलंकार क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, कोई भी शब्द हो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक शब्द की ध्वनि, एक शब्द का अर्थ। जैसे मैंने आपसे बोला काला, नीला, या मैंने बोला पेन। जैसे मैंने पेन बोला तो जो आपको सुनाई दे रहा है वो शब्द की ध्वनि है, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है कि पेन, जैसे मैंने बोला उसकी इमेज आपके माइंड में बन गई हो, है ना, तो वो उसका अर्थ है। कहने का मतलब, जैसे मैंने बोला आम तो ध्वनि सुनाई देती है, और उसका जो आम शब्द है उसका एक तो ध्वनि है, दूसरा उसका अर्थ है। ध्वनि क्या है, जो आपको सुनाई दी, और अर्थ क्या है, जो आपके माइंड में उसकी इमेज बनी आम की, ठीक है ना। उसी प्रकार जब भी शब्द के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अर्थ अलंकार, और जब भी शब्द की ध्वनि के कारण किसी भी काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं शब्द अलंकार, ठीक है। तो यहां पर देखो अलंकार की भेद में 3 प्रकार से है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, ठीक है ना। शब्द अलंकार में काव्य में जब शब्द की ध्वनि के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। काव्य में जब शब्द के अर्थ के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। और जब शब्द की ध्वनि और अर्थ दोनों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे उभय अलंकार कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं शब्द अलंकार के बारे में। तो मैंने बोला जब शब्द की ध्वनि के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं शब्द अलंकार। आज हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के बारे में, ठीक है ना। तो शब्द अलंकार के बारे में मैं बताऊंगा, इसके एग्जांपल है शब्द अलंकार के कौन कौन से, देखो यहाँ पे शब्द अलंकार की जो एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है वो अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थ अलंकार में आता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ठीक है, इनको पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थ अलंकार में कौन कौन सी, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, ठीक है। तो आज हम जाने अनुप्रास, इनको पहले बेसिक देख लो क्या होता है। जब भी किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति होती है, शब्दों की नहीं, जब किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो देखो यहाँ पे चार वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, चारु चंद्र की चंचल किरणें, है ना। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं रघुपति राघव राजा राम, है ना, तो रघुपति राघव राजा राम, इसमें रावण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। इस प्रकार यदि मैं लिखता हूँ तरणी तनुजा तटतमाल, तो इसमें तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। यदि आप पूछोगे सर कितनी बार आवृत्ति होनी चाहिए, तो कम से कम 2 या इससे ज्यादा बार लगातार आवृत्ति होनी चाहिए, तब कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। कम से कम 2 बार लगातार आवृत्ति होनी चाहिए किसी भी वर्ण की, शब्द की नहीं बोला मैंने, है ना, किसी भी वर्ण की। तो देखो यहाँ चारु चंद्र की चंचल किरण, यहाँ 4 वर्ण की, 2 बार, कम से कम 2 बार, इससे ज्यादा बार हो तब भी कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। यदि मैं लिखता हूँ रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें भी देखो रावण की आवृत्ति हो रही है ना। इसके बाद यदि मैं लिखता हूँ तरणी तनुजा तटतमाल,
इसमें देखो तावण की आवृत्ति हो रही, तो इन सब में कौन सा अलंकार है, तो आप बोलोगे अनुप्रास अलंकार, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला वो है यमक अलंकार। अभी मैंने बोला था वर्णों की आवृत्ति, जब किसी काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां उस कंडीशन में कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत पॉपुलर एक इसका वो है एग्जाम्पल, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय जा कहे बौराय जग बापाए बौराय, मतलब एक कनक की दूसरे कनक से मादकता इतनी अधिक है कि एक कनक को तो लोग क्या है खाकर बौराते हैं, लेकिन दूसरे कनक को तो लोग पाकर ही बौरा जाते हैं, है ना। तो इसमें एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे जो कनक कनक में दो कनक है, कनक कनक में इसमें पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, इसको ध्यान रखना है। हर कोई को पता रहता है कि धतूरा सोना दोनों अर्थ है, लेकिन किसका अर्थ सोना है किसका धतूरा, इसमें पहले का अर्थ है सोना पहले कनक का, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, है ना। कनक कनक से सौगनी मादकता अधिक है, वो कह रहा है इस कनक की इस कनक से मादकता 100 गुना अधिक है, क्योंकि इसको तो लोग खाके पागल होते हैं लेकिन इसको तो सिर्फ पाकर ही पागल हो जाते हैं, है ना ऐसा। अब देखो इसके एग्जांपल और, तो देखो दोनों एक शब्द एक से अधिक बार आया लेकिन प्रत्येक बार उसका शब्द अर्थ जो है अलग अलग है। यदि मैं आपसे बोलूं काली घटा का घमंड घटा, तो आप उन्हें जब भी किसी भी एग्जांपल में एक शब्द एक से अधिक बार देखो आप समझ जाने यमक अलंकार है, और अगर वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है कोई भी वर्ण तो अनुप्रास अलंकार है। तो देखो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया है लेकिन पहले का अर्थ है काली घटा, इसमें देखो यहाँ पे इसमें एग्जांपल नहीं है, है ना। तो पहले घटा का अर्थ है क्या, घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम हो जाना, है ना। तो दोनों घटाओं के अर्थ अलग अलग है। और देखो एग्जांपल इसके, जैसे यहाँ पे लिखा कनकते ये हो गया, जेते तुम तारे तेते नम्बे ना तारे है, तो इसमें देखो इस बार तारे का मतलब क्या हो गया, जेते तुम तारे तेते नम्बे ना तारे है, इस तारे का अर्थ है परेशान करना, जितना आपने मुझे परेशान किया है इतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। तो इन दोनों तारे का अर्थ अलग अलग है, पहले तारे का एक शब्द एक से अधिक बार आया है और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है अलग अलग है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, इसमें देखो यहाँ बेर लिखा है ना, तो इसमें लिखा तीन बेर खाती थी, तो बेर का मतलब है यहाँ पे संख्या लिखी है कि तीन बार खाती थी, वो तीन बेर खाती है और यहाँ पे बेर जो है फल होता है, है ना। तो वो कहते जो दिन में तीन बेर खाते थे आज सिर्फ तीन बेर खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बेर अलग एक शब्द एक से दो बार आया, मतलब एक से अधिक बार आया है और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है अलग अलग है। सूर सूर तुलसी शशि, अब देखो यहाँ पे सूर सूर दो बार आया है लेकिन इसमें पहले का अर्थ है सूरदास, दूसरे का अर्थ है सूर, है ना। क्या बोला गया है, जिस प्रकार तुलसी की तुलना चंद्रमा से की गई है उसी प्रकार सूरदास की तुलना सूर्य से की गई है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, इस सब में ये कौन से अलंकार है, ये है यमक अलंकार, और काली घटा का घमंड घटा इसमें ही आता है ना, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो घटा शब्द है वो दो बार आया है इसलिए हो जाएगा काली घटा का घमंड घटा। अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार, सभी अलंकारों में बस श्लेष अलंकार थोड़ा सा टफ रहता है जो कम समझ में आता है, वो इसलिए क्योंकि श्लेष कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कर, तो कर माने हाथ भी होता है, कर माने टैक्स भी होता है ना, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं। तो इसमें इस ऐसे शब्दों को बोला जाता है श्लिष्ट शब्द। यदि मैं बोलूं श्लिष्ट शब्द किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे सर श्लिष्ट शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, तो इनमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे रेमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर, और सुबरन को ढूंढत फिर कभी व्यभिचारी चोर। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक शब्द एक से ज्यादा अर्थ देता है, एक शब्द एक ही बार आएगा और एक से ज्यादा अर्थ देगा। यदि एक शब्द एक से ज्यादा बार आए और ज्यादा अर्थ दे तो वहां पे कौन सा हो जाता है, होता है यमक अलंकार। लेकिन एक शब्द आया आया है एक ही बार और अर्थ दे रहा है एक से ज्यादा, तो वहां पे कौन सा हो जाता है श्लेष अलंकार। मैंने बताया श्लेष ऐसे शब्द होते हैं जो जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। तो देखो यहाँ पे रहमत पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, तो कह रहा है पानी को बचाए रखो, बिना पानी के सब सुन है, पानी गए ना उभरे, पानी अगर खत्म हो गया तो क्या क्या नहीं उभर पाएगा, मोती मानुष चून, मतलब
मोती की जो है चमक चली जाएगी पानी के बिना। तो मोती के लिए जो पानी शब्द है उसका अर्थ है चमक। देखो तो पानी का पहले अर्थ क्या हो गया, चमक, एक अर्थ हो गया चमक। मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा और चून के लिए पानी जल, क्योंकि आटा किससे लगता है, आटा को जब हम लगाते हैं रोटी बनाने के लिए तो जल का प्रयोग करते हैं ना, तो इसलिए इस पानी का अर्थ चून के लिए है जल, मनुष्य के लिए है प्रतिष्ठा और मोती के लिए है क्या, जो मोती के लिए है वो है चमक, पानी का अर्थ है ना। ऐसे यहाँ पे देखो, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो कभी किसको ढूंढता है, सुवर्ण को, और व्यभिचारी भी सुवर्ण को ढूंढता है, चोर भी सुवर्ण को ढूंढता है। इसका मतलब तीनों की तुलना सुवर्ण से की है, इसका मतलब इसके तीन अर्थ होंगे। तो कौन कौन से अर्थ है इसमें बोला है कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी, तो सुवर्ण का अर्थ है कभी के लिए अच्छे वर्ण, क्योंकि कभी की रचना लिखता है ना, तो अच्छे वर्णों को खोजता रहता है। व्यभिचारी, तो एक तो इसका अर्थ है अच्छे वर्ण, दूसरा अर्थ है सुंदर स्त्री, जो व्यभिचारी पुरुष होता है वो क्या है, सुंदर स्त्री को खोजता रहता है, तो सुवर्ण का दूसरा अर्थ है अच्छे स्त्री, और तीसरा अर्थ है चोर, तो चोर के लिए इसका अर्थ क्या होगा, सोना। तो सुवर्ण के तीन अर्थ है, अच्छे वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। जो स्वर्ण होता है, चोर क्या है, स्वर्ण के पीछे भागता रहता है कि खजाना मिले कहीं सोना मिले, है ना। इस प्रकार जब एक शब्द एक ही बार आए और एक से अधिक अर्थ दे तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द एक से ज्यादा बार आए और एक से अधिक अर्थ दे हर बार, एक शब्द एक से ज्यादा बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ दे तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार में क्या बताया मैंने, एक शब्द एक ही बार आता है तब भी एक से ज्यादा अर्थ देता है। अनुप्रास में क्या बताया कि वहां पे वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होता है, और श्लेष में क्या होता है, एक शब्द एक ही बार आके एक से ज्यादा अर्थ देता है। आज हमारे कंप्लीट हो गए अर्थ अलंकार, अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, शब्द अलंकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करके जरूर बताना, है ना, लाइक करना और कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब